हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिया सलोन एंड एकेडमी। आज हम आपके सामने एक लुक लेकर आए हैं। ये लुक फेस्टिवल्स वगैरह पे या कोई भी आपके घर के फंक्शंस आते हैं, आप उसमें अगर कोई सटल सा लुक करना चाहते हो तो ये वाला लुक कर सकते हैं। प्लस जो प्रोफेशनल्स हैं वो सेम लुक, जब कोई आपके पास बहुत लाइट लुक मांगता है, जिनको आइज भी काफ़ी ड्रामेटिक कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता, उनके लिए ये लुक है। सबसे पहले हमने जो क्लाइंट है इनके फेस पे टोनिंग की है। जो टोनिंग हमने यूज़ किया दैट विल बी ऑफ कैटालिना। आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं दैट इज़ ऑफ अनकट वीडियो है पूरा। और सर अब इनके फेस पे जो अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ अ सिटाफिल का मॉइस्चराइजर। इनकी स्किन ड्राई थी काफ़ी, तो हमने पहले क्लिंजिंग करवा दी थी। क्लिंजिंग में हमने सिंपल क्लिंजर यूज़ किया है एंड देन टोनर कैटालिना का। अभी जो मॉइस्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ ऑफ सिटाफिल का मॉइस्चराइजर। और ये जो मॉइस्चराइजर है जो ग्रीन वाली पैकिंग में आता है सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन के लिए, वो अप्लाई कर रहे हैं। मॉइस्चराइजर को बहुत अच्छे से स्किन में आपको मर्ज करना है। जैसे सर देखो आप अच्छे से मर्ज कर रहे हैं स्किन में, तो वैसे ही आपको जो मॉइस्चराइजर है स्किन में अच्छे से मर्ज करना है। आज जो हम मेकअप करेंगे वो हम बिल्कुल बेसिक रीजनेबल प्रोडक्ट्स से करेंगे। कोई भी हम हाई एंड प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं इसमें। जो लोग चाहते हैं कि रीजनेबल रेंज में उनको मेकअप वीडियो चाहिए था, आज का वीडियो उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, जिसमें हम आपको पूरा गाइड करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि हमने फेस पे क्या यूज़ किया है। और जो लुक है हम वो काफ़ी न्यूट्रल सा रखेंगे, क्योंकि आउटफिट जो इनका है दैट इज़ अ वाइट एंड स्काई ब्लू कलर का, बहुत ही सॉफ्ट लुक में आउटफिट है, तो हम मेकअप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। जब आपने स्किन पे अच्छे से मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने वाले हैं। आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। हमारा जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ अमेजिया सलोन पटियाला, एंड सेकेंड पेज इज दैट इज़ अमेजिया द स्कूल ऑफ ब्यूटी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में हम आपको काफ़ी तरह के वीडियोस लेकर आएंगे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कैसी लुक पे चाहते हैं और किस टाइप का आप मेकअप देखना चाहते हैं, तो जो नेक्स्ट लुक है हम वो क्रिएट करेंगे। ये हमने स्टार्टिंग की है वीडियो में, जिसमें हम बिल्कुल सॉफ्ट बेसिक लुक्स में मूव करें, बेसिक टू एडवांस तक लुक्स हम जाएंगे। तो इसलिए हमारे पेज पे जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, तो जो जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपके पास पहुंचेगी। अब आईज पे हमने बेस दिया है, आईज पे हमने फॉरएवर 52 का आई बेस दिया है। आई बेस आपको सबको पता, आई बेस हम क्यों देते हैं, तो जो हमारा शेडो है वो काफ़ी अच्छे से आईज पे स्टे करें। उसको हमने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दिया है आईज पे। सर अब इसके बाद यूज़ करेंगे, सर ने जो हमारे जितने भी हम पैलेट्स लेते हैं उसमें आपने नोटिस किया होगा जो कंटूर एंड पैलेट्स होती हैं उसमें एक कॉम्पैक्ट होता है फेयर टोन में, तो आप उन कॉम्पैक्ट्स को आई बेस को लॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो सर ने यूज़ किया दैट इज़ यूरोप गर्ल का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो अभी यूज़ किया है आईज के ऊपर, तो उसको आपने यूज़ करके समर्स में तो खास कर ध्यान रखिए हमेशा आपने जो आई बेस है उसको लॉक करें। तो बेस देने के बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए जो पैलेट यूज़ की गई है दैट विल बी ऑफ आई मैजिक की। काफ़ी बेसिक पैलेट से हम लोग शुरू करते हैं, बट इसके पिगमेंट काफ़ी अच्छे हैं, तो इसमें से हमने थोड़ा सा ब्राउन टेंट वाला शेड लिया है। तो सर जो ब्राउन टेंट वाला शेड लेके उसको ब्लेंड कर रहे हैं, जो ब्लेंडिंग है हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ पी ए सी का ब्लेंडिंग ब्रश, काफ़ी अच्छा है ये, हमारी पूरी टीम का फेवरेट है फॉर ब्लेंडिंग पर्पज़। आई मेकअप की ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी आती है इसमें। तो अभी सर ने जो लाइट टू मीडियम ब्राउन कलर का लेके फर्स्ट आई टू सेकंड आई पे मूव कर रहे हैं ब्लेंडिंग के लिए। ड्यूरिंग वीडियो आपको अगर कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सारे कमेंट्स के आंसर दिए जाएंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप उसको तो ज़रूर पूछें। ब्लेंडिंग को इन्वर्ट किया जा रहा है और आप देखिए उसको सर्कुलर मोड में मूव किया जा रहा है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ब्लेंड करते हो आईज पे जो फर्स्ट कलर है शेडो का वो न्यूट्रल सा हो, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, लाइट टू मीडियम टोन आप ले सकते हो। ब्लेंडिंग इसलिए ज़रूरी है, अगर आप आईज पे बिना ब्लेंडिंग के आई मेकअप करते हो एक तो वो कलर्स बहुत अच्छे से कोप अप होके नहीं निकलते, सेकेंड जो आप लुक देना चाहते हो उसमें वो जो कलर की ट्रांजिशन आती है वो नहीं आती। सो अभी फर्स्ट कलर के बाद हम लोग पिक कर रहे हैं नेक्स्ट जो सर पिक करेंगे दैट विल बी ब्राउन फैमिली का ही। सर ने थोड़ा सा डार्क कलर पिक किया है, जो हम नेक्स्ट सेशन में वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको साथ साथ प्रोडक्ट शो भी करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं ऑरली सारे प्रोडक्ट्स बता रही हूँ।
जो भी आपको प्रोडक्ट ना समझ आए तो आप लिंक में उसको पूछ सकते हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में, तो हम उसकी फोटोज भी आपको शेयर कर देंगे। तो अभी जो सर ने ब्रश लिया दैट इज़ ऑल्सो ऑफ पी ए सी की रोज गोल्ड सीरीज है ये, उसमें से अगेन ब्लेंडिंग ब्रश जो हमने पहले लिया था ये उससे छोटा है, तो जो इनर पार्ट एंड आई वॉल पे ब्राउन कलर के साथ उसी का ही नेक्स्ट टोन, हमने जो पहले ब्राउन लाइट ब्राउन लिया है उसका जो नेक्स्ट कलर है उसके साथ से ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो उसको भी आपको इनवर्ट फॉर्म में ब्लेंडिंग करनी है। जो आज हम आई मेकअप क्रिएट करने लगे हैं दैट इज जिसमें हम ब्लेंडेड लाइनर के साथ चलेंगे, नहीं आज हम ब्लेंडेड नहीं, इनकी जो स्काई ड्रेस है उसके साथ। सर आप कौन सा लाइनर लगाना चाहोगे? हम ब्लेंडिंग को हम करते जा रहे हैं ब्राउन कलर से। आपको इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि जो ब्लेंडिंग है वो इनवर्ट कैसे रोटेशन में ब्रश को घुमाया जा रहा है। ब्लेंडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका ब्रश किस तरीके से घूम रहा है और ब्रश को आपने कहाँ से पकड़ा। नेक्स्ट सर ने लिया है मटैलिक आई शेडो फ्रॉम आई मैजिक की पैलेट से। ये जो मटैलिक आई शेडो है बिल्कुल न्यूट्रल सा पिंकिश सा टोन है विद गोल्ड टच, तो उसको फिंगर से अप्लाई कर रहे हैं। जो मटैलिक कलर्स होते हैं उसकी सबसे अच्छी लुक तभी आती है जब हम उसको फिंगर के साथ अप्लाई करते हैं। आप ब्रशेज से अप्लाई करोगे आपको वो रिज़ल्ट 100% नहीं मिलता, बट अगर आप फिंगर से अप्लाई करते हो तो आपको हमेशा 100% रिज़ल्ट मिलेगा उसमें। सो दोनों तरफ सर ने अप्लाई किया है मटैलिक आई शेडो। मटैलिक आई शेडो जो होते हैं इसमें बहुत सॉफ्ट पिगमेंट होता है, तो आने वाले टाइम में जब हम वीडियोस बनाएंगे अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन से मटैलिक होते हैं, पिगमेंटेड कैसे होते हैं, ग्लिटर, इन सब में अगर डिफरेंस आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी जो सर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ फैशन कलर का ब्लू आईलाइनर। जो ये ब्लू आईलाइनर है फैशन कलर का, ये थोड़ा सा ग्लिटर बेस्ड है, इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है जब हम क्लाइंट पे यूज़ करते हैं। तो जो अभी लाइनर है दैट विल बी ऑफ ब्लू कलर। जो आउटफिट है वो स्काई एंड वाइट कलर में, इसलिए हमने थोड़ा सा आईज़ को पॉप अप करने के लिए, जैसे आप कोई कलर, जैसे ये हमने होली के नियर ये मेकअप किया है, तो अगर आप किसी ओकेजन पे कर रहे हो तो आपको पसंद है कि आप कलर लाइनर्स में ना जाना चाहते हो और जो आईज़ मेकअप है वो सॉफ्ट रखना चाहते हो, तो आप ऐसे सेम लुक कर सकते हो, ब्लेंडिंग देके मटैलिक देके। अगर आप मटैलिक नहीं भी देना चाहते हो तो आप थोड़ा सा मैट में करके उसके ऊपर आप ग्लिटर लाइनर अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जो लाइनर है दैट विल बी ऑफ फैशन कलर का लाइनर यूज़ कर रहे हैं सर ब्लू कलर में। ये स्केच फॉर्म में है तो इससे काफ़ी नीट एंड क्लीन लाइनर अप्लाई होता है। हमारे जो मेकअप कोर्सेज हैं वो अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने बेसिक से लेकर एडवांस तक हर टाइप का मेकअप सीखना है, जिसमें हम वाटरप्रूफ मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, एचडी मेकअप, इंटरनेशनल मेकअप्स, हर तरह की लुक सिखाते हैं, आपको प्रॉब्लमेटिक स्किन पे कैसे मेकअप करना है वो सारी चीज़ें कवर करते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम अप्रैल 2024। ये कमिंग सेशन में हमारा जो न्यू आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे कोर्सेज हर मंथ होते हैं स्टार्ट, तो अभी काफ़ी अच्छे हमारे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। जिन लोगों को भी कोर्स ज्वाइन करना है वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 7009027383। आई एम रिपीटिंग 7009027383। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो आपकी जो भी इंक्वायरीज हैं लाइक रिगार्डिंग मेकअप की, आपको कोर्स ज्वाइन करना है, आपको कैसे इस लाइन में अपना फ्यूचर बनाना है, वो सारी चीज़ें आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो। तो अभी दोनों आईज़ पे लाइनर अप्लाई हो गया है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है लाइनर। एंड उसके बाद हम मस्कारा जो सर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ फेरारुशी। फेरारुशी का मस्कारा काफ़ी अच्छा है, दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट मस्कारा, इट्स टू साइडेड मस्कारा। तो जब इसमें बेनिफिट क्या है, ये अपर लैश के लिए हम लोग इसका जो वॉल्यूमाइजर मस्कारा है हम वो यूज़ करते हैं, जो लोअर साइड के लिए इसका थिन वाला मस्कारा है हम वो यूज़ करते हैं, तो इट्स टू इन वन मस्कारा। सो हम क्या करते हैं कि दोनों मस्काराज एक में ही हमारा काम हो जाता है। सो आप फेरारुशी का मस्कारा ले सकते हो। तो अभी अब फर लैशेज पे लग गया है मस्कारा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आई लैशेज। आई लैशेज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ
ब्यूटी लैशेस की लैशेस यूज़ कर रहे हैं हम लोग आज। हम थोड़ा नेचुरल वॉल्यूम, क्योंकि मैंने शुरू में बताया आपको जो ये लुक है ये आप रेगुलर लाइक कोई आपका कोई छोटा फंक्शन आ रहा है उसके लिए जाना है, आपको कोई फेस्टिवल के लिए जाना है, नवरात्रा आ रहे हैं आगे आपको उसके लिए रेडी होना है। हमने जैसे ये होली के लिए रेडी किया है इनको, तो आप लाइट लैशेस में ही मूव करें। हैवी लैशेस से थोड़ी सी आईज ज़्यादा वोल्ड लगने लग जाएंगी। अब आई लैशेस को सर अप्लाई कर रहे हैं। आई लैशेस जब भी आपने अप्लाई करनी है आईज को थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ उठा के फिर करो, तो उससे क्या होता है जो प्रॉपर लैश लाइन होती है आई लैश आपकी वहीं पे अप्लाई होती है। सर हमारी रेगुलर ब्राइड्स करते हैं, यूट्यूब पे ये फर्स्ट टाइम ये मेकअप वीडियो बना रहे हैं। आज हम सर का मेकअप शूट कर रहे हैं, तो दिवेश सर आपको कैसा लग रहा है आज फर्स्ट टाइम अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने में? मुझे सही भी लग रहा है। सर कहते हैं आई एम सीरियस इन माई वर्क, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं जब पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी फिर बताऊँगा मुझे कैसा लग रहा है। नेक्स्ट पाउडर आईब्रो कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि हम थोड़ा सटल लुक में चल रहे हैं, तो इसलिए जो आईब्रो है वो थोड़ा पाउडर पेस्ट लिया है, एंड जो इसके लिए ब्रश यूज़ किया जा रहा है अगेन वो PAC का टू साइडेड ब्रश है। जो इनकी नेचुरल आईब्रोज हैं उन्हीं को बस हल्का सा एनहांस करेंगे, बहुत शार्पन लुक नहीं क्रिएट कर रहे। सो आज का मेन टॉपिक ही है कि थोड़ा नेचुरल में चलेंगे हम, बहुत ज़्यादा हैवी हैवी लुक नहीं क्रिएट कर रहे। सर ने इसके लिए जो पाउडर शेडो लिया है अगेन वो जो लिया है दैट इज़ ऑफ PAC की पैलेट आती है, जो आईब्रो पैलेट, उसमें से सर ने आई शेडो उसका जो शेड है डार्क ब्राउन वाला उससे सर आईब्रो क्रिएट कर रही हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए कि आने वाले टाइम में हम वो वीडियोस रेडी करें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो भी आप मेकअप में प्रॉब्लम फेस करते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी हम एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। आज का वीडियो अनकट वीडियो है जिसमें हम शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरा दिखा रहे हैं, सो इसीलिए ये आपको पूरा प्रोसेस लग रहा होगा कि थोड़ा लंबा चल रहा है, बट ये जो एक्चुअल टाइम है करने में लगता है ये वो चीज़ है। अब जब आईज डन, आप देखिए आईज ओपन करने पे आपको पता लग रहा होगा कि एक सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है लाइनर के साथ। अब अंडर आईज को क्लीन किया जा रहा है, जो भी आपकी शेडो की डस्ट या जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका जो भी थोड़ा फॉलोअप हो जाता है उसको वेट पाइप के साथ क्लीन किया जा रहा है, जो भी स्किन पे डस्ट है। अब सॉफ्ट सा जो वेट पाइप स्किन पे यूज़ किया जा रहा है उसका रीज़न ये है कि स्किन पे जो मॉइस्चराइज़र जितना स्किन ने लेना था उसकी जो एक्स्ट्रा अब स्किन पे है उसको रिमूव कर दें एक बहुत सॉफ्ट से वाइप, क्योंकि समर्स आप आ रहे हैं, समर्स में आप जितना स्किन पे ज़्यादा मॉइस्चराइज़र रखोगे उससे क्या होगा आपका मेकअप जो है वो फट सकता है अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र है। तो जितना स्किन ने मॉइस्चराइज़र लेना था वो ड्यूरिंग आई मेकअप वो उतना एब्जॉर्ब कर चुकी है, सो अभी वो क्लीन कर दिया गया है एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र। और आईज में वाइट कलर की पेंसिल यूज़ की जा रही है, न्यूड पेंसिल यूज़ कर रहे हैं सर। न्यूड पेंसिल लगाने का ये बेनिफिट है जो आईज़ है वो थोड़ी और बोल्ड दिखती हैं। आजकल थोड़ा ब्लैक काजल लाइनर का ट्रेंड कम हो गया है, सॉफ्ट लुक्स में तो बहुत ही कम प्रेफर किया जाता है कि कोई ब्लैक लाइनर अप्लाई किया जाए। तो आप देखिए अभी आईज में जो न्यू पेंसिल यूज़ की है उससे आपको दिख रहा होगा जो वाटर लाइन है वो एनहांस हो रही है। अभी जो प्राइमर अप्लाई किया जा रहा है दैट इज़ ऑफ फैशन कलर। आज मैंने बोला था कि हम काफ़ी रीजनेबल रेंज के प्रोडक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, फैशन कलर का ये प्राइमर काफ़ी अच्छा है।
इसका सब्स्टिट्यूट आप यूज़ करना चाहते हो तो आप मेकअप स्टूडियो का प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। ये हाइड्रेटिंग, अब देखो हमने पहले जो नीचे स्किन पे मॉइस्चराइजर था एक लेयर उसकी रिमूव कर दी थी विद द वेट वाइप, क्यों? क्योंकि आगे जो हमारा प्राइमर है दैट इज़ ऑल्सो क्रीमी बेस, तो अगर हम नीचे मॉइस्चराइजर रखते और उसके ऊपर फिर प्राइमर की लेयर देते फिर अगर हम फाउंडेशन उसके ऊपर अप्लाई करते तो हमारे मेकअप के बहुत चांसेस रहते कि वो मेकअप फट सकता था एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की वजह से, या जो स्टे है उसका वो बहुत कम हो जाता। तो प्राइमर को स्किन पे अप्लाई कर दिया गया है, इसको फैलाया जा रहा है स्किन में, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा, तो ये इस तरीके से सर हर पूरे फेस पे इसको लेके जा रहे हैं कि एक बार ये पूरे फेस पे सेटल डाउन हो जाए। प्राइमर के बाद आपको थोड़ा सा वेट ज़रूर कर लिया, वो टाइम वैसे भी मिल जाता है आपको जब आप प्राइमर के बाद अपना फाउंडेशन कलर ऐड करते हो तो उसके लिए। तो अभी जो सर ने लगाया इनके थोड़ा सा चीक्स के ऊपर माइनर से पोर और हल्का सा टेक्सचर है, तो उसके लिए वो यूज़ कर रहे हैं रिकॉर्ड का एस ऑफ बेस। अगेन आई सेड कि आज हम जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो काफ़ी रीजनेबल रेंज वाले प्रोडक्ट यूज़ होंगे, तो आज कोई हाई एंड प्रोडक्ट नहीं होगा बट इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो जो रिकॉर्ड का एस ऑफ बेस प्राइमर है ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो ये थोड़ा जो इनके स्किन पे चीक्स पे हल्का टेक्सचर है उस चीज़ को स्मूथ कर देगा। ये लगाने का बेनिफिट है कि जब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा फाउंडेशन काफ़ी स्मूथ मूव करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप, अब देखो जो इनके डार्क टोन्स हैं उसकी करेक्शन करनी पड़ेगी पहले, तो करेक्शन के लिए जो यूज़ कर रहे हैं सो एले गर्ल का यूज़ किया जा रहा है ऑरेंज कंसीलर। ऑरेंज कंसीलर को अप्लाई किया जा रहा है, जो ये ब्रश लिया गया दैट इज़ ऑफ मोरफे, मोरफे का ब्रश है ये। तो जो डार्क टोन्स आ रही हैं अराउंड द लिप्स, हमारा चिन एरिया एंड अंडर आइज और थोड़ा सा फोरहेड पे भी टैंड है, तो हम वहाँ पे ऑरेंज करेक्शन यूज़ कर रहे हैं। ऑरेंज करेक्टर क्या करता है, आपके उन एरियाज को जो डार्क एरियाज होते हैं उनको आफ्टर मेकअप वो उनको डार्क नहीं होने देता, मतलब ग्रेनेस नहीं आती है उसमें। तो अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया गया, बहुत ज़्यादा एक्सेस में ब्लेंड भी नहीं करना कि जो आपने प्रोडक्ट लगाया है वो गायब ही हो जाए। अगर वो वहाँ से एब्जॉर्ब होकर गायब हो गया तो आप जो जिस पर्पज़ के लिए आपने उसको अप्लाई किया वो काम नहीं हो पाएगा आपका। तो अराउंड द चिन काफ़ी डार्कनेस थी तो ऑरेंज कंसीलर को अच्छे से वहाँ पे अप्लाई किया गया। अंडर आई, अब जो फोरहेड है वहाँ पे थोड़ा टैंड है लेफ्ट सारा, तो वहाँ पे भी ऑरेंज कंसीलर की जो कंसिस्टेंसी है वो कम कर दी गई है। तो आपको जब कंसीलर यूज़ करना है तो कंसिस्टेंसी चेक करके यूज़ करना है, मतलब समटाइम आपको कहीं पे उसी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा यूज़ करनी है जहाँ डार्कनेस ज़्यादा है, या फिर आप इसके ऊपर रेड कंसीलर में मूव कर सकते हो अगर आप ज़्यादा डार्कनेस देख रहे हो किसी चीज़ पे। तो रेड कंसीलर के बाद हल्का सा गैप लिया गया है, और मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी अमेजिया अकेडमी में द स्कूल ऑफ ब्यूटी, इसमें हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं, तो मेकअप का बेसिक से लेकर एडवांस तक फुल प्रोफेशनल कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे नेल्स का ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास नेल टेक्नीशियन का भी कोर्स है जो बेसिक से लेकर एडवांस तक है, जिसमें हम पूरा जेल एक्रेलिक 3D सब चीज़ें करते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे पास हेयर टेक्नीशियन का कोर्स है जिसमें आप पूरा हेयर केमिकल सीख सकते हैं। ब्यूटी का कोर्स है हमारे पास, कॉस्मेटोलॉजीज का कोर्स है, तो ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। हेयर एक्सटेंशन, आई लैशेज एक्सटेंशन, तो हमारी अकेडमी में ये सारे कोर्सेज हैं। तो आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको शुरू में नंबर बताया है ये नंबर मैं आपको कैप्शन में भी डाल दूँगी, दैट इज़ 7009027383। तो अब हम बैक टू आते हैं मेकअप। अब सर ने यूज़ किया है इनकी स्किन पे फाउंडेशन दैट इज़ फ्रॉम मिलानी।
मिलानी का जो नंबर यूज़ किया गया है इसमें सर ने ऐड किया है 6 नंबर में थोड़ा सा 3 नंबर ऐड करके दोनों को मिक्स करके इनके स्किन पे लगाया गया है और दोनों का जो रेशियो रखा गया दैट इज़ 1:1। जो 6 नंबर है वो थोड़ा डार्क टोन में है एंड जो 3 है वो थोड़ा मीडियम में है, तो दोनों को मिक्स करके हमने एक 4 नंबर जैसा नंबर क्रिएट कर लिया है। तो इसको पूरे फेस पे अप्लाई किया जा रहा है। तो जब भी आप मेकअप करें तो फेस के साथ एटलीस्ट चिन से नीचे 1 इंच का एरिया ज़रूर कवर करें। तो उससे क्या होता है, जो आप मेकअप करते हो वो सेम बेस नेक तक आता है। फुल नेक पे आप सेम मेकअप मत करें, उसके लिए आप अपने अलग से प्रोडक्ट रीजनेबल प्रोडक्ट रख सकते हो। क्योंकि अगर आप सपोज करो फेस पे कोई हाई एंड ब्रांड यूज़ कर रहे हो तो वो पूरा पूरा नेक पे यूज़ करते हो तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको। तो नेक के लिए आप हमेशा थोड़े से थिक बेस जैसे कंसीलर बेस लगाएं। अब फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद उसको हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रहे हैं। सबसे अच्छा ब्लेंड करने का तरीका है ब्यूटी ब्लेंडर। जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो थोड़ा सा डैम्प यूज़ किया जा रहा है। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने से एक तो आप जो फाउंडेशन है उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन रखते हैं, सेकंड जो होता है कि आपका जैसे फाउंडेशन है एकदम से ड्राई नहीं पड़ने लगता। तो सर ब्यूटी ब्लेंडर से डिशुम 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 कर रहे हैं। तो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, पूरा स्किन के अंदर मर्ज हो जाना चाहिए। वो जो उसकी लेयर है वो ऊपर ना रहे, बहुत अच्छे से स्किन के ऊपर सेटल हो जाए वो। तो अभी जो स्किन टोन को है वो एक सिंगल कलर में लेके जाया जा रहा है तो जो स्किन है वो न्यूट्रल हो जाए। उसके बाद जो सर यूज़ कर रहे हैं दैट इज आमंड शेड फ्रॉम टू फेस। ये जो हाइलाइटिंग फॉर्म के लिए यूज़ किया जा रहा है कंसीलर। उसको हमने हाइलाइटिंग जोन पे अप्लाई किया है। पीछे से थोड़ा शोर आ रहा है, वो फिर आज अनकट वीडियो है ना तो थोड़ा थोड़ा शोर तो चलो बनता है। अब जो हमने कंसीलर यूज किया एज एन हाइलाइटिंग फॉर्म तो उसको देखो अंडर आई पे अच्छे से ब्लेंड। अब आप देख रहे होगे एकदम से जो आईज के नीचे वाला एरिया है वो पॉप अप होके दिख रहा है कितना अच्छा। हमारी मॉडल कह रही है कि हम बीच में ट्रांजिशन बना लें। मेकअप करने के साथ साथ ये वीडियो शूट वाला काम भी आपको पता होगा कि आजकल मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ फोटोग्राफर भी बनना पड़ता है। तो मैं सर की आज ऑफिशियल फोटोग्राफर हूँ। ये ट्रांजिशन वीडियो बनाने में आप देखो कितने सारे हमें शॉट्स लेने पड़ते हैं। सर वेट कर रहे थे कि जल्दी से हम अपनी वीडियो जो है बनाएं और साथ साथ सर ब्लेंडिंग पे लग गए हैं, क्योंकि अगर हम ब्लेंडिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट करें प्रोडक्ट लगा रहेगा तो वहाँ पे पैच बनने के चांसेस होते हैं, प्रोडक्ट वहीं पर जम जाता है। तो अब उसको अच्छे से ब्लेंड किया जा रहा है, जो हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं उनको थोड़ा सा जो फेयर टोन है उसके साथ पॉप अप किया जा रहा है। आज जो मेकअप हम कर रहे हैं उसमें देखो आपको हमने बहुत एक्सेस में ब्रशेस नहीं यूज़ किए, तो ये जो मेकअप है इसको आप अगर सेल्फ पे भी ट्राई करना चाहते हो तो बेस बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी सही रहता है।
जो भी प्रोडक्ट है सेंटर पॉइंट टू हम लेफ्ट एंड राइट उसको लेकर जा रहे हैं एनहांसमेंट के लिए, तो उन एरिया को वो एनहांस कर रहा है। तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके ब्लेंडर में बच रहा है उसको हम नेक तक ला सकते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में हम आपको बहुत यूज़फुल वीडियोस यहाँ पे हम अपलोड करेंगे और जो भी आपकी डिमांड होगी शॉर्टली वो वीडियोस हम ज़रूर पोस्ट करेंगे। जो आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम ज़रूर पोस्ट करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो, जो इंस्टाग्राम पे अमेजिया सलोन पटियाला के नेम से है। नेक्स्ट स्टेप जो यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ ऑफ लूज पाउडर। अब लूज पाउडर के साथ बेकिंग कर रहे हैं सर। लूज पाउडर जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ मेकअप स्टूडियो का लूज पाउडर यूज़ किया जा रहा है इसमें। जब भी आप लूज पाउडर यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको अंडर आई की बेकिंग करनी है, उसके बाद आप बाकी फुल फेस बेकिंग कर सकते हो। और पाउडर आप जब फेस पे ले रहे हो उस टाइम आप थोड़ी कम लें क्वांटिटी एज कम्पेयर टू आईज़ के नीचे, आप क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लें। बेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकअप, तो समर्स में तो बहुत ही अच्छे से बेक करें, क्योंकि अगर आपकी बेकिंग अच्छी हुई है तो आपका मेकअप जो है उसकी स्टे लॉन्गर होगी। बट अगर आप अच्छे से बेक नहीं कर रहे मेकअप को ऐसे ही रख रहे हो तो वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, क्योंकि जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो पाउडर है वो हम जस्ट रख नहीं रहे, उसको हल्का सा प्रेस फॉर्म में दे रहे हैं स्किन पे। उससे क्या होता है पाउडर बहुत जल्दी स्किन पे सेट हो जाता है। ये जो पाउडर है दैट इज अ ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो ये पर्टिकुलर अपना कोई शेड नहीं देगा। जो हम नीचे फाउंडेशन एंड कंसीलर यूज किया उसी को ही ये एक तरीके से लॉक करके उसके कलर करना होगा। नेक्स्ट इज अ पाउडर कंटोरिंग। जो कंटोरिंग यूज की जा रही है दैट इज फ्रॉम यूरोप गर्ल, जो रबर की पैलेट होती है उसमें से कंटोर यूज किया जा रहा है। और जो ब्रश हम यूज कर रहे हैं कंटोरिंग के लिए दैट इज ब्यूटी लैशेस का ब्रश है ये। बहुत सॉफ्ट कंटोर दे रहे हैं, अगर हमें डीप कंटोर देना होता तो हम उस केस में पहले हम लिक्विड कंटोर यूज करते। मोस्ट कंटोरिंग के लिए अगेन हम जो यूज़ कर रहे हैं कंटोर इज़ फ्रॉम यूरोप गर्ल एंड जो ब्रश है दैट इज़ ऑफ ब्यूटी लैशेस। ये काफ़ी अच्छा ब्रश है फॉर नोज कंटोरिंग। वीडियो बस ऑलमोस्ट हमारा डन होने वाला है, जो मेकअप है वो कंप्लीट होने वाला है। तो अगेन मैं एक बार कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस आप चाहते हैं हम आने वाले टाइम में और क्लैरिटी के साथ और डिटेल के साथ आपके लिए वीडियो प्रेजेंट करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। एंड अभी जो यूज़ किया जा रहा है थोड़ा सा सनकिस्ट फॉर्म में ब्लशर लगाया जा रहा है। अगेन जो ब्लशर के लिए यूज़ किया जा रहा है दैट ब्रश इज़ फ्रॉम ब्यूटी लैशेस। ब्यूटी लैशेस के ब्रशेस की लाइफ काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं स्किन पे। तो जो ब्लशर है थोड़ा सा सन किस्ट फॉर्म में लगाया जा रहा है। जो ये ब्रश है इसको आप एज एन हाइलाइटर ब्रश भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपको कोई छोटा मतलब स्मॉल साइज ब्लशर के लिए चाहिए तो उस केस में आप इसको एज अ ब्लशर भी यूज़ कर सकते हो। तो सर इसको ब्लशर की तरह यूज़ करते हैं।
लगाने के बाद अगेन हम बस लिप पर लगाएंगे एंड हाईलाइटर के साथ अपने मेकअप को कंप्लीट करेंगे। तो अभी आप देखिए ये फाइनल लुक आपके सामने आ गया है। तो जो फाइनल लुक है इसमें आप देख सकते हो कि बिल्कुल हमने उनकी स्किन टोन के साथ ही रखा है मेकअप को, बिल्कुल सॉफ्ट लुक में वो मेकअप आ रहा है। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो आने वाले टाइम में हम आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।